बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? और फजर के बज चुके 3 और मैं आटा को लगा रही हूँ और नाश्ता बना रही हूँ सेरी के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और उधर दूध गर्म हो रहा है। हाँ, फिर निकली आज तो लेट उठे, कल तो फिर टाइम से जल्दी उठ गए थे। बहुत आटा गूंद चुका है ये देखिए। और आप सोच रहे हैं इतना सा आटा गूंदू तो इतना सा आटा गूंदू क्योंकि मैं और सनाई करूंगी सेरी, हम दोनों ही। इसमें बच जाएगा, अब मैं बना लेती हूँ पराठे। ये शक्कर चाय पत्ती मैंने डाल दी, डाल रही चीनी, चाय शक्कर डाल दी मैंने। और फिर चाय को उठा के और पराठे बना लूँगी। इधर चाय चढ़ रही है, उधर पराठे बना लूँगी। चाय बन रही है, उधर पराठे बन चुके हैं। और आ जाइए आप भी, सेवी कर लीजिए। गैस कम करके घी लगाती हूँ। और मैं जल्दी इसलिए उठती हूँ गाइस, क्योंकि ना मैं गोली दवाई भी लेती हूँ ना, इसलिए एक एक घंटे के फासले पे गोली दवाई लेती हूँ, इसलिए थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है मुझे। पराठा तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस, एक रमजान हो चुका है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो रमजान। और आज दूसरी सेरी है और पराठे बन गए मेरे, चाय पराठे। और मैं सेरी कर लूंगी अब। गाइस, नाश्ता बना लिया मैंने, पराठे बन गए और चाय बन गई और सना ने सेरी कर ली। मैं भी करूँगी सेरी। अभी बन चुके पराठे तो मैं सेरी कर लेती हूँ और आपसे मिलती हूँ।
गाय से कर लेती हूँ मैं। देखिए चाय और ये पराठा और बाहर जाके बैठ के आज भी कर लो सर। गाइस ये तो कर ली मैं ना, और पिछले साल तो हम खेलने में थे गए साल तो बहुत अच्छा लगा था, मतलब सभी थे वहाँ पर तो बहुत चहल पहल रहते थे, हम सब साथ में उठते थे और पूरे रमजान हम खेलने में रख के आए थे, ईद करके आए थे, पूरे 2 महीने रुकी थी मैं खेलने में। हम सभी सनारे असदरे मेरे भाई नाने भी नहीं दिया खालिद ने, तो पिछले साल तो हमें बहुत मजा आया वहाँ। यहाँ पर हम दोनों ही उठते हैं, इसके पापा तो उठते भी नहीं है, वो रमजान ही नहीं रखते। गाइस मैं गोली ले रही हूँ बीपी की, बीपी की गोली लेती हूँ मैं। एक एक घंटे तक बाद ले गोली ले लेती हूँ। कपड़े अपने बाहर छोड़ी आई गाइस, हम फ्री हो चुके हैं अब काम से और ये जाना माजरे धोई है मैंने और मैं कुरान पाक पढ़ू, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। 11 बजने वाले टाइम देखिए, 11 बजने वाले 10 मिनट कम में 11 बजने में सब काम फ्री हो चुका है, अब मैं कुरान पाक पढ़ूंगी। उबल चुके चावल तो बन गए चावल, और मैं मसाला पीस लेती हूँ, तब तक ये थोड़ा कम कर देती हूँ, और ये एक प्याज अदरक और ये लहसुन का पेस्ट लगा लूंगी। पीस गया मसाला, चिकन फ्राई हो रहा है। तैयारी की तैयारी चल रही है, एक तैयारी का आती हूँ, कल भी टाइम हो चुका था तो हम जान का जल्दी असर की नमाज पढ़ ली हमने, अब मैं एक तैयारी काट लूंगी और एक तैयारी काट के रख लूंगी, काम कर लेते हैं पहले इस तैयारी का। कल भी बहुत लेट हो गए थे, जान हो गए थे जल्दी, हमारा काम नहीं मिलता था तब तक। मक्खी देखो कितनी हो रही है,
लिए हम सब ने और नमाज पढ़ ली मगर की, और अब खाना खाएंगे और दिखाते हैं। देखिए चिकन की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है, और इधर चावल बॉईल किए मैंने, चावल वाले बहुत अच्छे लगते हैं चावल के साथ। और मैं डालती हूँ, पहले डालती हूँ चावल, आपको मेरी ब्लॉग कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में बताना अच्छी लगी हो तो, और जरूर से जरूर कर देना सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़, कल मिलूंगी, बाय।